हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू इनर मॉम ज्योति। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने लिविंग रूम की सफाई, जो कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, तो मुझे अब टाइम मिला है क्योंकि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, कोई रिश्तेदार भी नहीं आ रहा है, तो आज जो है मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो आज मैंने सोची है कि चलो मैं अपने एक घर का हिस्सा ले लेती हूँ, क्योंकि होता है ना कि हम पूरे घर की तो सफाई एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ही ऐसा ही करती हूँ, कभी 15 दिन में या कभी महीने में हमेशा ही ऐसा करती हूँ कि अपने घर का एक हिस्सा मैं पहले से ही लेके रख लेती हूँ, ताकि मुझे वो उसके लिए भी टाइम मिल जाए। तो बस आज मैंने जो अपने लिए जो लिया है काम, वो है अपनी लिविंग रूम की सफाई, और बेडरूम की सफाई मैं कर चुकी हूँ। तो ऐसे ही मैं 15 या महीने बाद ही अपने घर का एक कोई कोना ले लेती हूँ, ताकि मुझे सफाई करने में आसानी होती है और घर साफ़ भी रहता है, हमें बार बार वो साफ़ करने की दिक्कत नहीं होती है। तो बस अभी जो है जितने भी जो सोफ़े के कवर है, जो भी मेरी लिविंग रूम में अभी सामान है, वो सब मैंने निकाल कर रख दिया है। जो धोने वाला है वो धोने के लिए डाल दिया है, और वैसे आप सबको पता ही है कि मैं हमेशा ही 15 दिन में एक बार जो दीवार है वो अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और तो दीवार जो है इतनी गंदी होती नहीं है, बट जब हम सफाई करने बैठते हैं ना, तो होता ही है कि चलो ये भी साफ़ कर दो, वो भी साफ़ कर दो। तो धोने के लिए ये फ्लावर रह गए थे, तो इसको मैं जाकर पहले वॉशरूम में सर्फ वाले पानी में इसको रख दूँगी, तो ये साफ़ हो जाते हैं। और इस वैसे इतना गंदा नहीं था, क्योंकि हमेशा ही मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ कपड़े से, इसलिए। और लगे हाथ ना, मैं ट्यूबलाइट भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बार बार तो ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने एक हाथ में कपड़ा ले लिया है और एक हाथ में मेरे है झाड़ू। तो हमेशा ही आप सब भी, अगर आप सबको आपका घर छोटा है या बड़ा है, घर से कोई लेना देना नहीं है, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट घर एक साफ़ सुथरा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर घर छोटा होता है कोई दिक्कत नहीं होती, घर थोड़ा बड़ा होता है ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पूरे घर को साफ़ करना एकदम से नहीं हो पाता है। इसलिए तो आप हमेशा ही पहले से ही अपना जो भी आपको साफ़ करना है, वो चीज़ आप पहले ही बना के रखेंगे ना, तो आपका घर हमेशा साफ़ और मतलब अच्छा रहेगा। तो अभी जो गद्दियाँ हैं ना, तो इन सबको मैंने निकाल रही हूँ, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से तो साफ़ कर देते हैं, बट डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं ना, वो ऐसे ही होती है। सारी गद्दियाँ जो है वो मैंने निकाल दी हैं, तो यहाँ पर भी ना धूल आ जाती है जब हम कभी झाड़ू लगाते हैं या डस्टिंग करते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है, इसलिए हमें हमेशा ही एक कोनर लेना चाहिए। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ताकि जो सफाई हो बहुत आराम से हो जाए, तो बार बार करने की दिक्कत भी नहीं होती है, तो इस कोने पर भी मिट्टी जमा हो जाती है। तो बस मैंने थोड़ा सा कपड़े को हल्का सा गीला कर लिया था, तो उसी की हेल्प से ना मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, और आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो ये सूख गया था, तो मैंने गद्दियाँ तुरंत लगा दी हैं। और दूसरे वाले जो रूम में आपने एक कॉर्नर में देखा होगा ना, तो पहले भी था, तो मैंने यहाँ पर ला के रख दिया है, क्योंकि ना एक चीज़ को देख देख के ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बोर सी हो जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि अपनी थोड़ा सा चेंज लेकर आऊँ, ताकि अच्छा लगे देखने में। तो मैंने इस कोने पे ना ये कॉर्नर रख दिया, तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और बस अभी जितने भी जो टेबल है, डाइनिंग टेबल है, इन सबको मैं क्लीन कर लूँगी, अभी तो नहीं, पहले झाड़ू लगा रही हूँ। और जो डाइनिंग टेबल है, थोड़ी सी आपको बीच में लग रही होगी ना, मैं थोड़ा सा साइड में कर दूँगी, ताकि जो मेरे लिविंग रूम का जो स्पेस है थोड़ा सा बड़ा लगे। और जितने भी आप जो सामान को हटा सकते हो तो प्लीज़ आप हमेशा ही सामान को हटा के ही झाड़ू लगाएं। जब आप डीप क्लीनिंग कर रहे हो, तो काफ़ी अच्छे से जो कूड़ा रह जाता है तो वो अच्छे से निकल जाएगा। तो बस मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ जब भी मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है, और मेरे जो लिविंग रूम में इतना गंदा रहता नहीं है, तो हमेशा ही साफ़ रहता है। तो बस अब मेरी जो झाड़ू लग गई है, अब मैं आ गई है मेरी डस्टिंग की बारी, तो डस्टिंग में ही मैं सबसे पहले मैं डाइनिंग टेबल को ही साफ़ कर रही हूँ।
और क्योंकि टेबल जो है काफ़ी भारी है तो बार बार मैं उठा नहीं सकती, तो एक बार ही मैंने अपने हस्बैंड को थोड़ा सा हाथ लगवा दिया ताकि वो साइड हो जाए और अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अब इसके बाद मैं कर लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा भी मैं तभी लगाया है जब मैंने सारे जो चेयर है और सोफ़े है थोड़ा सा साइड कर दिया है ताकि ज़्यादा गंदगी ना रहे, तो अच्छे से जो फर्श है वो साफ़ हो जाए। उसके बाद ही मैं चेयर को उनकी जगह पर लगा दूंगी। और मैंने दीवार से ना थोड़ा सा हटके लगाया है, मतलब दीवार से चिपकाया नहीं है, क्योंकि दीवार जो होती है ना बहुत ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, क्योंकि हम जब साफ़ करते हैं ना तो एक लाइन सी पड़ जाती है, तो वो देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो मैंने सोफ़े को जो है ना दीवार से बिल्कुल भी नहीं लगाया, थोड़ा सा उसको दीवार से अलग रखा है। और अब फाइनली मैं लगा रही हूँ सोफ़े पे कवर, और जो पुराने वाले जो कवर थे वो मैंने धोने के लिए रख दिया है, तो अभी सूखे नहीं हैं। तो मेरे पास पहले से ही ये एक रखा हुआ था, तो सोचा चलो मैं इस बार इसको बिछा देती हूँ ताकि जो लिविंग रूम है थोड़ा सा मुझे अलग लगेगा, चेंज लगेगा। तो बस अभी जो है मेरे लिविंग रूम की सफाई हो चुकी है, और ये गद्दियाँ हैं जो इनके भी मैंने कवर चेंज कर दिए हैं, तो थोड़ा सा मुझे लिविंग रूम का जो लुक है वो थोड़ा सा मुझे चेंज लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है, मेरा कहने का मतलब यह है। तो बस मेरी जो लिविंग रूम की सफाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं फाइनल आपको इसका लुक दूंगी। तो मुझे तो थोड़ा सा चेंज लगा है, अच्छा लगता है जब सफाई हो जाती है ना, एक सुकून सा आ जाता है मन में। तो बस आप सब बताइएगा कि जो मैंने चेंज किए हैं आपको कैसे लगे, और अच्छे लगा होगा तो प्लीज़ एक मेरे चैनल को ना लाइक ज़रूर कर देना। और आप सब मेरे चैनल पे नए आए तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलेंगे आपको हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड बस इन्जॉय कीजिए मेरी थोड़ी सी वीडियो।